हाँ तो किसान भाइयों, आप अगर किसान चैनल पर नए हैं तो किसान चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आज जानेंगे कलौंजी फसल के बारे में सारा जानकारी। आज हमारे साथ एक विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, चलिए बात कर लेते हैं उनसे हम किस तरह से ये फसल उगाई जाती है, कैसे क्या सारा कुछ जान लेते हैं। आप आइए मिल लेते हैं हम उनसे। नमस्कार किसान भाइयों, ये आप फसल देख रहे हैं, ये कलौंजी की फसल है जो जो मैंने 3 बीघा में लगाई है। और इसमें आप देख रहे हैं कि बीज का और पूरी जानकारी के लिए हम विस्तृत में आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। पहले अपन बीज में 2 से 3 किलो प्रति बीघा का बीज लगता है इसका, जो हाथ से फूंक सकते हैं। और इसको पानी पिलाने की व्यवस्था रहती है, कम से कम 7 पानी पिलाना पड़ता है। और फूल आने के बाद, डोरी आने के बाद भी पानी पीती है 1 पानी। और खाद की बात करें तो खाद में DAP और प्लस यूरिया का इस्तेमाल होता है, और इसमें सल्फर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसमें इल्ली अगर पड़ती है और कोई नुकसान करती है तो अपन कोराजन या कवर या वेस्टिको का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें अगर मच्छर वगैरह या सकिंग पेस्ट लगते हों दूसरे, तो उसके अलावा अपन इसमें थायोमेथोक्सम या लेमड़ा साइलोथ्रिन या इमीडा क्लोरोइड का प्रयोग कर सकते हैं। और फूल की और डोड़ी की संख्या बढ़ाने के लिए अपन इसमें इम्यूनो एसिड से युक्त जो भी टॉनिक आते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, तथा ह्यूमिक एसिड का भी प्रयोग कर सकते हैं। और फसल की अच्छी डोड़ी बढ़ाने और इसके लिए भी यही टॉनिक का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें जैसे फसल पकने के अवस्था में हो जाए तो उससे पहले 4-5 दिन या 8 दिन पहले पानी बंद करना है अपने को, और पूरी फसल पीली पड़ जाए और डोड़ी पूरी तरह पक जाए उसके बाद कटाई की व्यवस्था करनी है। किसान भाइयों, और अपन पूली वगैरह बांधते हैं उसके बाद में इसको अच्छी सुखाना है, और सुखाने के बाद में 8 दिन तक इसको सुखाने के बाद में निकालना है। और अच्छी थ्रेसिंग वाशिंग मशीन होगी तभी ये निकल पाएगी, नहीं तो बाहर ज़्यादा सूखले में जली जाएगी बाहर। और इसका अगर अपन दूसरी फसल से कंपेयर करें तो यूँ समझ लो आपकी बहुत ज़्यादा महंगी फसल है ये, और अच्छा दाम दिलाने वाली फसल है। लगभग 10,000 से 20,000 रुपये प्रति क्विंटल बिकती है, और 5 क्विंटल प्रति बीघे के हिसाब से इसकी उपज है, यानी कि 1 लाख रुपये प्रति बीघा का ये मतलब फसल का एवरेज है इसका। और बाकी अपन चने और गेहूँ के ले लें तो 20,000 से 25,000 रुपये प्रति बीघा की औसत मतलब गेहूँ की और इनकी बजट बन पाता है। और ये अच्छी फसल है, आप इनसे बिल्कुल जो जानकारी है बिल्कुल सटीक है, और इस वीडियो को अवश्य देखें। तो किसान भाइयों, आप इस जानकारी से संतुष्ट अवश्य हुए होंगे आशा करते हैं। अगर आप खेती किसानी से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।